स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो कैसे हैं आप सभी? ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ बहुत ही खास टॉपिक, जिसको याद रखने में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन आपके पास लेकर के आए हैं। आप सीखे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कि कौन सा काल कितने से कितने समय तक रहा, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए और कितने समय तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया। ओके, तो चलिए ये हम याद करने वाले हैं एक ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है हमारी आपके सामने है, क्या है? गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। ठीक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। बहुत सिंपल सा है कि अगर गुलाब खिलते हैं तो क्या होती है, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उनकी महक सूंघ लो। ठीक है, इसी तरह से हमको याद करना है कि गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। ओके फ्रेंड्स, इसी से हम रिलेट करके याद रखने वाले हैं दिल्ली में जितने भी, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आते हैं उनका शासनकाल हम याद करने वाले हैं कर्म अनुसार। ओके, बिल्कुल ऑर्डर के थ्रू कि पहले कौन सा आया और सबसे लास्ट में कौन सा आया। आपको बिल्कुल इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ये सब पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले चलिए एक वर्ड इसमें से उठा लेते हैं। सबसे पहला क्या है? गुलाब। ओके, गुलाब। गुलाब से क्या बनेगा, गेस करो, कोई बता सकता है? तो गुलाब से बनेगा गुलाम वंश। इससे हमने रिलेट किया गुलाम वंश। क्लियर हुआ? चलिए इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। किसकी बात की गई है? गुलाब खिले। ठीक है ना, एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं। खिले से क्या बनाएंगे, फिर हम किसे रिलेट करेंगे वो आप देखते जाइए। खिले से यानी इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहला वंश जिसने दिल्ली में शासन किया है, सबसे पहले आया वो था गुलाम वंश। और उसका शासन काल की अगर बात की जाए तो वो था 1206 ईसा पूर्व से 1290 ईसा पूर्व। ओके, तो 1206 से 1290 ईसा पूर्व इनका शासन काल रहा। ठीक है, इतना याद हुआ। अब एक चीज़ रिलेट करिए, अगर इनका 1290 तक रहा तो इसके आगे ही तो शुरुआत करेगा। अगर जौन सा भी वंश आएगा नेक्स्ट, वो यहीं से तो शुरुआत किएगा करेगा। तो सबसे पहले हम इतना लिख लेते हैं कि अगला जो वंश होगा वो 1290 से शुरुआत करेगा। ओके, चलिए अब बात की गई खिले, खिले से क्या बनता है? खिलजी वंश। चलिए लिख लेते हैं खिलजी वंश। क्लियर हुआ आपको? रिलेट कर पा रहे हैं आप? गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश। आगे इसी तरह से बात करते हैं तो, हमें इसमें कोई वर्ड साइलेंट नहीं रखना है। तो से क्या बनेगा? तुगलक वंश। ओके, तो से क्या बन जाता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश किससे बनाए? तो से। और अगर बात की जाए कि इसका जो समय था, इसका टाइम पीरियड था, वो 1290 से कहाँ तक चला, तो वो है 1320 ईसा पूर्व। ओके, 1290 से 1320 ईसा पूर्व। अब हमने जैसे भी यहाँ पे रिलेट किया कि ये इसका लास्ट है तो इसका ये फर्स्ट होगा, इसी तरह से यहाँ पे करते हैं कि जब तुगलक वंश आया उसने शुरुआत की 1320 ईसा पूर्व से यानी एडी से, उसके बाद वो कितना होगा? 1412 ईस्वी तक। ठीक है, 1412 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। अब इसी तरह से बात करते हैं तो की हमने बात कर ली, अब करते हैं सुम। आपको पता है इससे क्या बनेगा, यानी तुगलक वंश के बाद कौन सा शासनकाल आया? तो वो आया दोस्तों सैयद वंश। ठीक है ना, इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद कौन सा आया? सैयद वंश। ठीक है, सूंग से सैयद वंश। अब इसका टाइम पीरियड कितना था? 1412 तक। ठीक है, 1412 से अगर बाद की बात की जाए यहाँ पे
1412 ईस्वी से इन्होंने शासन किया 1450 ईस्वी तक। क्लियर हुआ आपको? आप रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए आगे बात की जा रही है। फिर आया सुंग लो महंग, लो यानी लोदी वंश, ठीक है ना। लो से आप रिलेट करेंगे किसको? लोदी वंश को। क्लियर है दोस्तों? लोदी वंश। और इसका टाइम पीरियड कहाँ पे खत्म हो रहा है? 1450। तो 1450 से 1526 तक, 1526 तक टाइम पीरियड रहा लोदी वंश का। क्लियर हुआ आपको? दोस्तों आपसे समय भी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इस तरह से रिलेट करते चलिए आप। आगे बात करते हैं, लास्ट वन क्या है? महक। लास्ट वर्ड हमारा बच जाता है महक, तो इससे क्या बनेगा कोई बता सकता है? तो लास्ट जो सबसे बाद में वंश ने जिसने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, तो वो कौन सा वंश था? महक से, यानी मुगल वंश। ओके, सबसे लास्ट में कौन सा वंश आया था? मुगल वंश। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला वंश कौन सा था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तो वो था गुलाम वंश। सबसे आखिर में आया था मुगल वंश। इसने इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो इसका रहा 1526 ईसा से 1862, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी ने राज किया दिल्ली सल्तनत पर, तो 1526 से 1862 ईसा पूर्व तक इसने इन्होंने शासन किया। क्लियर हुआ आपको? चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्या है आपकी ट्रिक? कि गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब खिलता है तो महक सूंघ लो। ओके, अब बात की करते हैं गुलाब से क्या बन जाता है? गुलाम वंश। उसका टाइम पीरियड कितना रहा? 1206 से 1290 एडी। ओके, उसके बाद बात करते हैं गुलाब खिले। खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सूंघ से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, महक से मुगल वंश। क्लियर है? पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। लास्ट वन कौन सा है? मुगल वंश। क्लियर हुआ? और इसी तरह से आपको ये रिलेट करके टाइम पीरियड भी याद बहुत आसानी से हो जाएगा। सो कैसी लगी आज की ट्रिक, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी है ट्रिक तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। बहुत छोटा टारगेट है आप सभी के लिए, मेरे लिए काफ़ी बड़ा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे रखा है। तो 50 लाइक का टारगेट हम आज की वीडियो पर रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।